राहुल गांधी आए दिन कभी अपने भाषणों से तो कभी अपनी हरकतों से कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ कहने का मौका देते रहते हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे लोगों के बीच में वो घिर गए हैं। दरअसल राहुल गांधी सोमवार को नेपाल रवाना हुए थे। बताया गया कि वो वहां निजी दौरे पर गए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी नेपाल में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। वो काठमांडू के मैरियट होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी का एक पब में पार्टी करते हुए वीडियो सामने आ गया और अब ये वीडियो जम के वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो काठमांडू में नाइट क्लब में नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही बीजेपी को कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया, और बीजेपी भला ऐसे मौके कहां छोड़ती है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स नेपाल का है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं ये उनका निजी मामला है, लेकिन जब राजस्थान के जोधपुर में हिंसा हो रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान जल रहा है, इस पर चिंता व्यक्त करने के बजाय राहुल गांधी नेपाल में नाइट क्लब में पार्टी करते नजर आ रहे हैं, जबकि उन्हें भारत के लोगों के साथ उनकी समस्याओं के बारे में जानने के लिए होना चाहिए। पूनावाला ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी यूं ही चलेगी। वो राजनीति में गंभीर नहीं है। जब उनकी पार्टी और देश के लोगों को उनकी जरूरत है, तब वो नेपाल में पार्टी कर रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा कि वेकेशन, पार्टी, हॉलीडे, प्लेजर ट्रिप, प्राइवेट फॉरेन विजिट आदि अब देश के लिए कोई नई बात नहीं है। उधर बीजेपी के दूसरे नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि ये राहुल गांधी की निजी जिंदगी का मामला नहीं है। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी किसके साथ हैं, क्या चाइना के एजेंटों के साथ हैं, क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं सेना के खिलाफ वो चाइना के दबाव में करते हैं। सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल राहुल गांधी का नहीं बल्कि देश का है। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी की निजी जिंदगी है, वो निजी जिंदगी में पार्टी कर रहे हैं, सवाल देश का है। सवाल ये है कि राहुल गांधी कहां पर है और किसके साथ है। सवाल ये भी है कि क्या चाइना के एजेंटों के साथ राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं या संसद में जो भाषण देते हैं चाइना के पक्ष में और भारत की सेना के खिलाफ, क्या वो इन्हीं लोगों के दबाव में दिया जाता है जिनके साथ वो पार्टी करते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी महीने में ज्यादातर दिनों में रहते कहां हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, कौन लोग हैं जो राहुल गांधी की नीतियों को निर्धारित करते हैं, भाषणों को बनाते हैं। देश विरोधी जो एजेंडा राहुल गांधी के द्वारा पुश किया जा रहा है, क्या उसके पीछे चाइना है। सवाल राहुल गांधी का नहीं है, सवाल देश का है। बीजेपी सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया और कहा कि जब मुंबई पर हमला हुआ था तब भी राहुल गांधी नाइट क्लब में थे, अब जब उनकी पार्टी संकट में है तब भी वो नाइट क्लब में है, उनमें निरंतरता है। इस पर लोगों की भी दो राय है। कई लोगों का कहना है कि एक नेता भी इंसान होता है और उसे अपनी निजी जिंदगी जीने का पूरा हक है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि एक नेता की ये जिम्मेदारी होती है कि जब देश दंगों की आग में जल रहा है, ऐसे में राहुल गांधी को पब में पार्टी करने के बजाय अपनी पार्टी के साथ मिलकर इन मुद्दों पर काम करना चाहिए। इन सब के बीच आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बने रहें खबर विभाग के साथ।